देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 9,152 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 40,398 हो गई है। वहीं इस दौरान कोरोना के चलते 10 लोगों की मौत हुई। जारी आंकड़ों के अनुसार दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.42% है, तो वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.76% तक जा पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 4,256 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद रिकवरी का आंकड़ा 4,26,48,398 पहुंच गया। बता दें कि बीते दिन महीनों से देश में कोरोना के मामलों में काफी गिरावट आई थी, लेकिन बुधवार को 93 दिन के बाद एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए और अब आज ये आंकड़ा 8,000 के पार चला गया। देश में कुल संक्रमितों के आंकड़े पर नजर डालें तो यह आंकड़ा 4,32,13,457 तक जा पहुंचा है। वहीं अब तक इस महामारी के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 5,24,778 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 194 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 15,08,487 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 194,92,71,134 डोज दी जा चुकी है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।